असल मैम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड वी डब्ल्यू एस एक्ट्रा मेरा नाम अली है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बजट तो बजट कल अनाउंस हुआ है पाकिस्तान के बारे में जो 2023 ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी का फिजिकल ईयर है एंड uh, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूँ तो नथिंग एक्चुअली चेंज मतलब ज़्यादातर वही चीज़ें हैं ये जो बजट है इसको थोड़ा सा आई एम एफ़ के इर्द गिर्द इन्होंने एडजस्ट किया है तो बेसिकली क्योंकि हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि हम डिफॉल्ट के बहुत ज़्यादा करीब हैं इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये एक इलेक्शन बेस्ड बजट नहीं है यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने लोगों को खुश करने के लिए इसमें बजट को नहीं सिलेक्ट किया या इसको उस तरह सेटअप नहीं किया बल्कि इन्होंने ज़्यादातर आई का जो बेल प्लान है उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ को सेटअप किया है ज़्यादातर अगर हम अपने इंडस्ट्री में देखा जाए अगर मोबाइल फ़ोन्स के बारे में या गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मोबाइल्स में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं है यहाँ तक कि एक खबर चल रही थी कि इंपोर्टेड मोबाइल्स के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ने वाला है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली जो पहले टैक्स था एग्जैक्टली अभी भी वही है पीटीए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में खबर यही सुनी थी कि कम हो गया यहाँ तक कि आज जो है वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोग ये वायरल कर रहे हैं कि पी ने टैक्स बिल्कुल हटा दिया है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आ, किसी जगह पर ऐसी खबर नहीं है और गाड़ियों के बारे में अगर आप कहें तो 1300 सीसी के ऊपर जो इंपोर्टेड कार्स हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स का जो कैप है वो हटाया जा रहा है इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ सकता है और एवेंचुअली थर्टीन हंड्रेड से ऊपर जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो सकती हैं कराची या सिंध के इलाके के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन बीपर जोई जो है वो अब कराची के कोच से तकरीब नौ 900 किलोमीटर दूर हो गया और पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के कोस्टल एरियाज़ को भी हेट करेगा यहाँ तक कि सेक्शन 144 के अंदर जो है वो जितनी भी कोस्टल एरिया से एक्टिविटीज़ हैं वो सब बैन हो चुकी हैं ताकि लोगों को खतरा ना हो इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि साइक्लोन है तो ये डेंजरस हो सकता है काफी लोगों के लिए हंड्रेड एंड पर आवर तक की विंडस रिपोर्ट की जा रही हैं अकेले अकेले केव खा रहे हैं खेल यार चलो कोई बात नहीं मजीद आगे जाने से पहले आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी जीब लग रही होगी वो है कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो आई एपोलजाइज फॉर दैट आजकल जो है वो मौसम के बदलाव की वजह से अचानक गर्मी अचानक बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है वो हो रहा है तो मेरी आवाज़ जो है कभी कभी बिल्कुल बंद हुई हो जाती है तो प्लीज़ बेव विथ मी ऑन दैट मोबाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जयामी जो है फोल्डेबल मार्केट में ऑलरेडी आगे जा चुका है लेकिन ये कि उन्होंने फ्लिप के एक फिलहाल नहीं निकाला तो फोल्डेबल वो है जो बेसिकली इस तरह हाफ में खुल जाता है फ़्लिप दूसरा है जो ऊपर से नीचे जो फोल्ड होता है आप उसके बारे में जो है जयामी जो है एक एक कम्पटिटर बना रही है सैमसंग के लिए और मोटरोला जो रेज़र के बारे में तो होपफुली वो बहुत करीब आ जाएगा अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता लेकिन यह कि रूमर्स ऑलरेडी हैं कि जियामी इन डेवलपमेंट है और ये मोस्ट लाइकली विद इन द नेक्स्ट टू टू थ्री मंथ्स के अंदर अंदर जो है हमें कुछ इसके बारे में खबर मिलेगी अगर आप या गेम्स के शौकीन हैं तो आपको जीटीए सिक्स के बारे में ऑब्वियसली थोड़ी सी पता चल रहा होगा कि आजकल जी टी एस काफी वायरल हो रहा है यहां तक कि आई बिलीव कुछ महीने पहले जी टी एस के काफी ज्यादा शॉर्ट्स और वीडियोज थे वो वायरल हुए थे एक हैकर था जिसने एक रैनसम के तौर तो पर उनकी कुछ वीडियोज लीक कर दी थी और उनके कुछ फुटेज लीक कर दिए थे तो हाँ जी टी एस सिक्स जो है ऑलरेडी इन डेवलपमेंट है यहां तक कि रॉक स्टार स्टूडियोज ने भी ये चीज कन्फर्म की है कि वो ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर है लोकेशन के लिहाज से थोड़ा सा अगर हम देखें कि जो है वो कहां पे आ, उसका होगा फॉर एग्जाम्पल अभी करंट जो जीटी फाइव है वो लो सेंटर्स सिटी के अंदर आती है अगर आपको याद हो तो जी टी ए वाई सिटी हमने खेली थी आई आई बिलीव मोस्ट लाइकली मेरी एज के जितने भी लोग थे हमने जी टी ए वाई सिटी से ही जी टी ए में इंट्रोड्यूस हम हुए थे तो जो रूमर्स आ रही हैं वो ये है कि जी टी ए सिक्स जो है वो वाई सिटी के अंदर प्लेस होगी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैप होगा जो कि एक्सपेंड होगा इसकी रिलीज़ डेट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर या टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर आएगा मोस्ट लाइकली टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर आ जाएगा आ, और गैप इसका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब ये तेरह साल तकरीबन ते इसको हो जाएंगे अगर 2025 तक हम गिलें लास्ट व, आ, जी टी जो थी वो 2013 में आई थी तो इस वक्त अभी उसको तकी दस साल होने वाले हैं मज़दीद एक दो साल के बाद अगर जी टी आती है तो उसको पूरे बारह साल हो जाएंगे इतना टाइम कभी भी नहीं लगा किसी गेम को आने में ये जी टी जो है वो अभी तक की सबसे लंबी चलती हुई गेम है क्योंकि इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा तो उसमें डिफरेंट अपडेट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से ये गेम जो है वो इतनी देर तक चल जाती है इन्फ्लुएंसर होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं और स्पॉन्सरशिप्स का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली आपके का जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो रहा होता है अब इसी तरह ही एक पिछले दिनों में एक एक माउंट एवरेस्ट का एक क्लाइंबर था जो कि जिसको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था क्लाइंब करने के लिए अब उसके साथ हुआ यह कि बेचारा जो था वो डेथ जोन में जब आया तो वहाँ पे क्योंकि एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा होता है और वो क्लाइंबिंग इतना मुश्किल हो जाता है वो जो था वो बेहोश हो गया वहाँ पे किसी शर्पा ने उसको वहाँ पे ढूंढा अगर आपको पता नहीं कि शरपा क्या होते हैं शर्पाज वो होते हैं जो नेपालीज जो वहाँ के लोकल्स होते हैं जिनको ट्रेन का पता होता है और उनको पता होता है कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना तो एक शेरपा ने उसको ढूंढा और उसने उन्नीस सौ फीट तक जो है वो उसको एलिवेशन नीचे लेके आया छः घंटे का सफर करके उसको बैग में बंद करके अपने पीछे लटका के या अपने पीछे रख के उसको लेके आया और उसकी जान बचाई फिर एक हेलीकॉप्टर आया उसको एयरलिफ्ट किया गया उसको फिर हॉस्पिटल

कि यार जिसने आपकी ज़िंदगी बचाई उसको आपने थैंक यू नहीं बोला लेकिन आपने अपने स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोल दिया तो मैं समझता हूँ कि आपकी स्पॉन्सर्स के साथ लॉयल्टी एक हद हाँ तक होती है लेकिन लिटरली जिस बंदे ने आपकी जिंदगी बचाई हो उसके बारे में उसको आप थैंक नहीं कर रहे अगर आपकी ज़िंदगी ना होती तो आपके स्पॉन्सर्स भी ना होते गेमिंग के बारे में अगर हम दोबारा से थोड़ी सी बात करें तो टेकन एट अभी डेवलपमेंट में है कई लोग कह रहे थे कि टेकन सेवन के बाद कुछ भी नहीं आएगा और टेकन सेवन जो थी वो लास्ट गेम थी लेकिन अपेरेंटली ये बात सही नहीं थी टेकन एट जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट में है यहाँ तक कि इस वक्त जो है वो उसके ट्रायल्स हो रहे हैं और अगर आप साइन अप करना चाहें तो बैंडाई नैमको की एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं वहाँ पे आप एक क्लोज नेटवर्क के अंदर गेम को टेस्ट भी कर सकते हैं तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर अपन आप आपको रजिस्टर कर सकते हैं और उन्होंने अगर आपको सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप उनकी गेम जो है वो थोड़ी सी प्री रिलीज़ जो है वो उनकी खेल सकते हैं जिसमें थोड़ी सी टेस्टिंग होती है थोड़े से बग्स होते हैं चीज़ों है, को थोड़ा शॉर्ट आउट किया जाता है तो ये लेकिन ये है कि हाँ टेकन एट जो है वो आ रही है मोस्ट लाइकली विधन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो भी रिलीज़ हो जाएगी एप्पल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो एप्पल के हेडसेट जो है जिनको विजन प्रो कहा जाता है वो रिलीज हो गए हैं और उनके पर हाइप तो बहुत ज्यादा लेकिन एक जो सवाल उठ रहा था जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था वो ये था कि इसकी ऑडियंस कौन है और ये एक्चुअल में कौन यूज करेगा उसी के मुतालिक हम थोड़ा सा बात करते हैं एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिव्यूअर है टेक रिव्यूअर है उसने एक्चुअली इसको टेस्ट किया और उसने तकरीबन थर्टी मिनट्स तक इसका जो है वो इस्तेमाल किया था और, और बाकायदा इसके बारे में तस्वीरें जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट या शेयर करूँगा उसके माथे पर पूरा जो है वो फेस बल्कि माथा सिर्फ क्या पूरा जो फेस है उसका वो रेड हो चुका है और यहाँ तक कि वो स्वेलिंग भी थोड़ी सी नजर आ रही थी आ, उसने ये भी रिपोर्ट किया था कि उसको नोजिया हो रहा था यूज़ करते हुए तो 30 मिनट जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उस बंदी की अब देखा जाए तो अगर इस चीज़ को आप गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाए या मूवीज़ देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए आम तौर पे गेम्स और मूवीज़ जो हैं वो थर्टी मिनट से बहुत ऊपर होती हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या ये वाकई में ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लोग प्रो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि देखो एसेंशली देखा जाए तो ए, एक कंप्यूटर है जो कि आपके मुँह के करीब लगा हुआ है आप तो थोड़ा सा कहने में अजीब लगता है लेकिन आम तौर पर हम यहाँ तक एप्पल भी जो है वो इस चीज़ को एडवर्टाइज़ करता है कि जो है आपको स्क्रीन से दूर रहना चाहिए और उन्होंने फिर प्रोटेक्शन के लिए आइस की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ ट्विक्स और फीचर्स निकाले थे जिसके अंदर आपकी आइस को प्रोटेक्शन मिलता है और साथ ही उन्होंने साथ एक, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि बिल्कुल आपके मुँह के आपकी आंखों के दो इंच की दूरी पर है तो इसके बारे में थोड़ा सा बैक मिल रहा है लोगों को कि क्या वाकई में इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के ऊपर प्रोलॉन्ग यूज के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता इसके अलावा आई ओ के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अपडेट है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई लेकिन ये समझ लें कि ऑन द साइड जो है ये अपडेट हो रहा है उसमें यह था कि अगर आपको पता हो तो एक फीचर होता है आउट ऑफ करेक्ट का और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आप उसमें कोई प्रोफेनिटी यूज़ करते हैं तो वो उसको चेंज कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एफ़ वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो डी यू सी के या डक जो है वो लिख देता है अपेरेंटली अब एप्पल जो है वो उसको फिक्स कर रहा है तो अगर आप एफ़ वर्ड ही लिखेंगे वो एफ वर्ड ही आगे, आगे आपको दिखाएगा उसको चेंज नहीं करेगा लोग इसके बारे में काफ़ी खुश हैं आप बताइए आप खुश हैं इसके बारे में कि नहीं अब व्हाट्सएप के बारे में थोड़ी सी बात करें तो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और मोस्ट नोटेबल जो अपडेट है वो ये है कि अब आप अपने मैसेज को अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं जिसका मतलब है कि अगर आपने कोई मैसेज लिख लिया है पंद्रह मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपके पास ऑप्शन आती है जिसमें आप उसको एडिट करके लिख सकते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडिट करेंगे तो अगले को नजर नहीं आएगा उसके ऊपर छोटा सा एडिटेड का जो है वो आ कि आपने इसको एडिट किया लेकिन नेवर और फाइनली एक दो हफ्तों तक जो है वो अभी इस चल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक मोबाइल के ऊपर हमने बात की थी टेस्ला के बारे में और एक हमने खबर बताई थी जिसमें एक टेस्ला ओनर ने अपने टेस्ला के पीछे एक सोलर पैनल लगा दिया था ताकि उसको रेंज ज्यादा मिल जाए अब आमतौर पर जो टेस्ला की रेंज होती है वो फोर हंड्रेड किलोमीटर तक की होती है अब इसी तरह का एक और हरकत हो जो कि एक यूट्यूबर ने फिर से दोबारा की है तो उसने अपने टेस्ला के पीछे एक जनरेटर रख दिया एक डीजल जनरेटर या पेट्रोल का जनरेटर उसने रख दिया ताकि उसकी एक तो रेंज बढ़ सके और दूसरा उसको स्टॉप ना करना पड़े रुकना ना पड़े क्योंकि उसके लिए जो 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 चार्जिंग जो टाइम था जो आपका दो तीन घंटे का जो टाइम लगता है वो उसके लिए फिजिबल नहीं था तो वो चाह रहा था कि अगर वो एक लॉन्ग ट्रिप पर जाए तो इन चीज़ों से वो बच जाए अब उसने क्या किया कि उसने जनरेटर तो रख लिया लेकिन वो बात है कि जनरेटर को भी चार्ज करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको एक प्लग इन करके टाइम लगेगा तो एवेंचुअली एट एति डे उसको कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ हाँ उसकी रेंज थोड़ी बढ़ गई थी यहाँ तक ये कह रहे थे कि आई बिलीव जहाँ पे 400 माइल्स का आपकी रेंज होती है वो 1000 माइल्स के आगे पीछे उसको रेंज मिली थी लेकिन नवर उसका जो पर्पस था कि वो कह कहता था कि मुझे रुकना ना पड़े उसको रुकना फिर भी पड़ा उसको छः सात घंटे फिर भी उसको अपने टोटल ट्रिप पर रुकना पड़ा एट एतियंत्रित डे अगर आपने ऐसी कोई हरकत करनी है तो फिर आप टेस्ला ना ले इससे बेहतर तो आप हाइब्रिड कार ले लें क्योंकि हाइब्रिड एक्जैक्टली यही करती है जिसमें आपके पास एक बैटरी भी होती है इलेक्ट्रिक और आपके पास एक गैस पावर्ड इंजन भी होता है जो जनरेटर पे काम करता है तो उसने इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एक हाइब्रिड गाड़ी री इन्वेट कर दी मेडिकल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो पाकिस्तान में जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या हिसाब होता है कई दफ़ा बहुत बड़े ब्लडर्स भी माने जाते हैं यहाँ तक कि कई लोगों की जानें भी गई हुई हैं ऐसी ऐसी प्रोसीजर्स के ऊपर जो कि नहीं होनी चाहिए थी और ये जिस मुल्क की मैं आपको खबर पकने लगाऊँ आप थोड़े से हैरान होंगे कि क्या इस मुल्क में भी ऐसा होता है तो एक डॉक्टर है जिसने पिछले दिनों में एक एम्पूटेशन करनी थी किसी की एक टांग की या पाँव की एम्पूटेशन करनी थी और उसने अपेरेंटली हेल्प के लिए अपने जो जो हॉस्पिटल का जो क्लीनर होता है जो बेसिकली आपके जो जो क्लीनर बॉयज़ होते हैं उसकी उसने हेल्प ली थी अपनी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए मतलब हैरत की बात यह है कि आप एक हॉस्पिटल में आपको कोई और डॉक्टर नहीं मिला आपको सिर्फ़ एक क्लीनर ही मिला था उस वक्त एम्पूटेशन करने के लिए एट द एंड ऑफ़ द डे ये डॉक्टर जो था वो फायर हो गया था और सस्पेंड हो गया था क्योंकि उसने ऑब्वियसली एक रिस्क लिया था और क्लीनर की वजह से अगर किसी किस्म की ख़राबी हो जाती या गड़बड़ हो जाती तो दिस दिस्क गी वे ये एक्चुअली जर्मनी में हुआ था जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप हैरान होंगे जर्मनी इज़ यूजली आ, ऐसा ऐसा मुल्क है जिसके बारे में रेपटेशन काफ़ी अच्छा है उसका मेडिकल काफ़ी अच्छा है उसकी प्रोसीजर्स के बारे में काफ़ी जो है वो जाना माना मुल्क है लेकिन यह है कि हैरत होती है कि जर्मनी में भी जो है वो पाकिस्तानी लेवल के काम हो सकते हैं फाइनली अगर हम खाने पीने की बात करें तो बिरयानी हम सबको पसंद है लेकिन आपने कभी ए टी एम देखी है बिरयानी वाली वो well, अपने इंडिया में जो है वो एक बिरयानी ए टी एम खुली है अगर देखा जाए तो यह इवेंचुअली एक वेंडिंग मशीन है मुझे नहीं पता कि इसको ए टी एम क्यों कहा जा रहा है लेकिन वो ये है कि वेंडिंग मशीन तो पॉपुलर ऑबियसली होती है जिसमें आपके पास ऐसे फूड होते हैं जो कि जल्दी पैरेश नहीं होते फॉर एग्जांपल सैंडविचेस या बाकी चीज़ें होती है बिरयानी मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि बिरयानी जो है वो मिल रही है लेकिन नवर वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो इंडिया में ओपन हो गई हैं जो आपको गर्म गर्म बिरयानी जो है वो दस पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आपको तैयार करके दे देती हैं लैस बट नॉट लीस्ट स्पार्क्स के नाम से एक कंपनी है जिन्होंने अपना फ्लैगशिप मोबाइल निकाला न्यू सेवन अल्ट्रा के नाम से है और ये मोबाइल के बारे में जो अच्छी बात है वो ये कि फ्रॉम द ग्राउंड अप ये पाकिस्तानी फुल पाकिस्तानी मोबाइल है जिसका मतलब है इसकी आर एंड डी पाकिस्तान में हुई हुई है इसकी पूरी बिल्ड जो है वो पाकिस्तान में हुई हुई है ये मेड इन पाकिस्तान है इसके ज्यादातर जो कॉम्पोनेंट्स है वो पाकिस्तान में बने हुए हैं इसकी वजह से ये फोन जो है आपको थोड़े से समझ लें कि फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स देख सकते हैं वाइल ऑल्सो स्टेइंग एट अ बजट साइड तो ये तकरीबन थर्टी फाइव थाउजेंड के आगे पीछे का मोबाइल है जो कि ऑलरेडी पी टी ए अप्रूवड है जिसका मतलब कि आपको इसके ऊपर पी टी ए के टैक्स नहीं देना पड़ता और इसमें जो है वो फिफ्टी मेगा पिक्सल का कैमरा है आ, ये फुल ग्लास बिल्ड में है तो इसकी फ्रंट और बैक जो है वो ग्लास बॉडी में है मैं और बिलाल कल एक्चुअली इस, इस इवेंट पर गए हुए थे जो कि फ्लीटीज होटल में था और मज़े की बात अबाउट फ्लीटीज़ होटल ये है कि बिलाल जो है उसने अपना पहला जो इवेंट था जो एक जयामी के फोन के ऊपर रिलीज किया था वो सबसे पहला वो फ्लिटिस होटल में ही था तो बिलाल के लिए थोड़ा सा ये नोस्टैलजिया था यहाँ तक कि उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे दैन एंड नाउ का थोड़ा सा कंपैरिजन डाला हुआ है कि उस वक्त क्या था और अब क्या है और बिलाल एक्चुअली यहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर थे तो बस कहना का मकसद है कि कहाँ से शुरू किया और अब बिलाल कहाँ पे है सो वेरी प्राउड ऑफ हिम एन वेज गैट्स दैट्स इट फॉर वीडियो वाली सरकार एक्स्ट्रा आई होप के आपको पसंद आया हो अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें बताइएगा मेरी कोशिश होगी कि मैं बिलाल को मजीद कुछ एपिसोड्स में लेके आऊँ लेकिन प्लीज़ मुझे फीडबैक अपने बारे में भी दीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा क्या हम चेंज कर सकते हैं इस इस, एपिसोड को या मजीद आगे आने वाली अपीसोड को बेहतर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन अला हाफ़